इस वक्त पंजाब से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तरनतारण के डीएसपी को गिरफ्तार किया गया है, रिश्वत का आरोप लगा है। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि 10 लाख रुपए की रिश्वत के मामले में यह गिरफ्तारी हुई है और ड्रग्स से संबंधित यह मामला है, इस तरह के भी आरोप लग रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, तरनतारण से यह खबर मिल रही है और यहां डीएसपी को गिरफ्तार किया गया है रिश्वतखोरी के आरोप में और 10 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप मामले में यह गिरफ्तारी हुई है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं और ड्रग्स कनेक्शन भी इस पूरे गिरफ्तारी के प्रकरण में सामने आया है और इस मामले में जाहिर सी बात है कि जांच का सिलसिला जो है और ज्यादा तेज और सख्त हो सकता है। लेकिन शुरुआती जानकारी इस वक्त मिल रही है कि 10 लाख रुपए की रिश्वत के आरोप में गिरफ्तारी हुई है और डीएसपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की पूछताछ की कवायद आगे बढ़ेगी। लेकिन बड़ी जानकारी जो इस वक्त इस पूरे प्रकरण में सामने आ रही है वो ये भी है कि ड्रग्स कनेक्शन भी इस पूरे केस में नजर आया है। ये कनेक्शन सामने आ रहा है यानी मामला बड़ा हो सकता है। हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष शर्मा जुड़ रहे हैं और डिटेल्स के साथ। मनीष, क्या डिटेल्स इस वक्त? जी, फिलहाल इस मामले में यहाँ के जो फरीद कोट के डीएसपी हैं लखबीर सिंह, उनको नामजद किया गया है और साथ में एक पिशोरा सिंह जो ड्रग्स सप्लायर बताया जा रहा है उसको जो है 250 ग्राम अफीम और जो है 1 लाख के लगभग की राशि ड्रग मनी के साथ गिरफ्तार किया गया है। कनेक्शन बताया जा रहा है कि एक थाने में जो है अफीम रिकवरी का केस दर्ज हुआ था, लेकिन उसमें एक आरोपी को छोड़ने के लिए जो है 10 लाख की रिश्वत ली गई थी। फिलहाल इस मामले में डीएसपी फरीदकोट लखबीर सिंह को हिरासत में लिया गया है और इसी मामले में एक और अक्यूज है हीरा सिंह, जिसके घर से जो रिश्वत ली गई जो राशि है वो बरामद की गई है। फिलहाल तरनतारण पुलिस जो है इस मामले में अभी डीएसपी लखबीर सिंह से पूछताछ कर रही है और इसी के साथ कई इससे जुड़े कई और बड़े चेहरे जो पुलिस विभाग से जुड़े कई और चेहरे जो है वो सामने आ सकते हैं। जी, ड्रग कनेक्शन आया है अपने आप में ये एक बड़ी बात है। क्या इनके 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 और पिछले मुलाकात या ताल्लुकात को लेकर के कोई अभी जानकारी सामने आ रही है? मनीष जी बिल्कुल, देखिए लगातार इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं जिसमें पंजाब पुलिस के कई जो अधिकारी या कर्मचारी हैं वो ड्रग नेक्सस से जुड़े कई बार सामने आ चुके हैं। लेकिन अब इस फिर एक बार जो है डीएसपी रैंक का जो एक अधिकारी है नेक्सस से जुड़ा जो अभी सामने आया जिसने एक स्मगलर को जो है छोड़ा था रिश्वत लेके, लेकिन फिलहाल अभी आगे की जांच की जा रही है ताकि इस मामले से जुड़े अगर और भी कोई अधिकारी या कर्मचारी इस मामले में शामिल हैं उनका पता लगाया जा सके। मनीष, ये स्थानीय पुलिस इस वक्त इस मामले में जांच कर रही है या और अलग सेल एजेंसी भी इसमें जुट रही है, मसलन नारकोटिक्स की टीम के हैं या और अलग बहुत सारी टीमों का गठन भी किया गया है इन चीजों को क्रैक करने को लेकर पंजाब में? जी बिल्कुल, इस मामले में जो है कई और एजेंसियों को साथ लिया गया, इसके साथ साथ यहाँ के जो CIA टीम है उनको भी इंक्लूड किया गया इस इन्वेस्टिगेशन में। सुबह से ही इसके ऊपर जो है काम किया जा रहा है, कई अधिकारी जो हैं डीएसपी लखबीर सिंह के साथ साथ जो इस मामले में आरोपी पकड़ा गया स्मगलर पकड़ा गया पिशोरा सिंह उससे पूछताछ की जा रही है। कुल मिला के ये मामला देखिए क्योंकि तरनतारण जो जिला सरहद से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर हमेशा जो है तस्करी के कई बड़े मामले सामने आए हैं और कई इससे पहले भी कई जो यहाँ के कई थानों के SHO जो हैं इस मामले से जुड़े जो अलग अलग मामलों से जुड़े NDPS के मामलों से जुड़े वो पाए गए हैं और उनको गिरफ्तार भी किया गया है, नामजद भी किया गया है। लेकिन इस ताजे मामले की बात करें तो इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है अलग अलग एजेंसियों से भी क्योंकि नारकोटिक से जुड़ा है एक बड़ा मामला है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में कोई और चेहरे भी सामने आए। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका इस अपडेट के लिए इस वक्त।